Assalamualaikum, how are you? Hope you are good. Today we are going to start the exercise of chapter 16. Let's start from exercise A. Let's see A. Change the sentences from active voice to passive voice. इसमें देखिए नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं जो active voice में हैं उन्हें आपको passive voice में change करना है. पहले देखिए the crowd killed the mad dog. इसको आपको चेंज करना है पैसे वाइज में. पैसे वाइज में चेंज करने के लिए हम जानते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टार्टिंग में लगा रहे हैं द मैन टॉक. अब इसके बाद वर्ब आएगा. वर्ब को किस तरह यूज करना है पैसे वाइज के फॉर्म में. पैसे वाइज का फॉर्म क्या है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसको देखें ये हमारा जो एक्टिव है वर्ब की सेकंड फॉर्म है. वर्ब की सेकंड के लिए भी हमारा जो यूज होता है वो है वाज. वाज आएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट हो जाएगा और इसके बाद बाय आता है और बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट क्या है द क्राउड. पहला सेंटेंस हमारा ये आ जाएगा द नाइट वाज किल्ड बाय द क्राउड. नोट डाउन कर लें इसे. देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर टू. सी इज टेकिंग पार्ट एट दिस टाइम. ये सेंटेंस है इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए. अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो सी है और ऑब्जेक्ट की बात की जाए वो है बात. तो सबसे पहले हमें बात को लेकर आना है. बात हमारा स्टार्टिंग होना होता है. अब सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा वर्ब है. अब ये देखिए किस टेंस में ये हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो पैसिव फॉर्म होती है उसमें सबसे पहले आपका आता है इज, उसके बाद आता है शी और लास्ट में आपका आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है इसमें टेक है. तो टेक की थर्ड फॉर्म आपकी होती है टेक. द बाथ इज बीन टेकन. उसके बाद बाय और हमारा लास्ट में आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या आता है शी. सी जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हो जाता है थर्ड और लास्ट में और क्या दिया हुआ एट दिस टाइम. इसको बिल्कुल लास्ट में एट दिस टाइम फिर जाएगा दबा इज बीन टेकन बाय हर एट दिस टाइम. याद रखिए जो शी होता है जिस सब्जेक्टिव केस है और जब शी को हम ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है हर में चेंज हो जाता है. ठीक है इस चीज को याद रखिएगा. इसी तरीके से ही जो है इस सब्जेक्टिव केस है जब इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लेकर आते हैं तो ये इसमें चेंज हो जाता है सॉरी हिम. तो इसी तरह से इसके रिमेनिंग सेंटेंसेस जो है उनको भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे. सेम यही वो उनको अप्लाई करते हैं. देखिए चेंज ईच सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वर्ड्स टू एक्टिव वर्ड्स. अब इसमें जो एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके पैसिव वर्ड्स में उस पैसिव वर्ड्स को आपको एक्टिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. पहला देखते हैं लिखा हुआ है न्यू ग्रामर बुक हैज बीन रिटन बाय हिम. इसमें देखते हैं ये हमारा पैसिव वॉइस में है. इसकी बात की जाए तो पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट हो जाएगा ए न्यू ग्रामर बुक और ये जो है ये आपका बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है और लास्ट जो भी है ये आपका ऑब्जेक्ट है इसका. तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में कराना पड़ेगा क्योंकि इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है.
यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस जो होता है वो होता है आई। जिस तरीके से अभी शी का हम देखे थे इसी तरीके से जो आई होता है आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी को वापस लेगा आएगा सब्जेक्ट रूप में, किसमें चेंज हो जाएगा आई में चेंज हो जाएगा। आई के बाद अब हमें लाना है वर्ब को लाना है, हम देखते हैं ये वर्ब कौन सी हैज इन प्रेजेंट जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो इसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आई के साथ आपका आएगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है प्रेजेंट, आई हैव प्रेजेंट, उसके बाद ये आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट नाम ऑब्जेक्ट होगा ए न्यू ट्रेवल बुक, आई हैव ग्रामर बुक, ये आपका इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थ्री को, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री को द फूड, इसमें फूड को देखते हैं, फोर्थ है द बफेलोस वर बीइंग मेड बाय द मिलमैन, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है द मिलमैन, इसे सब्जेक्ट रूप में लेकर आएंगे द मिलमैन, ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद आपका आता है वर्ब, इसको देखते हैं कैसे वर्ब कैसे वर्ब बी मेड, ये आपका है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव क्या होता है वाज ओवर होता है, तो मिलमैन सिंगुलर है इसके साथ आपका आएगा वाज और उसके बाद आपका आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा मिल्किंग द मिलमैन वाज मिल्किंग, अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है द बफेलोस, यहां पर हो जाएगा पास मिल्किंग द बफेलोस, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा तीसरी तरीके से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, उसके बाद आपको वर्ब पहचाननी होगी किस टेंस की वर्ब कन्वर्ट हो गई उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में। Now see exercise C, change each sentence into passive voice. अब यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो एक्टिव वॉइस में है, उन्हें आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को, पहला है लेमन टेस्ट फ्रो, हम इस टाइप के सेंटेंस इस चैप्टर को पढ़ चुके थे, जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो उसका जो पैसिव वॉइस होता है कुछ डिफरेंट फ्रेमिंग फॉर्म होता है, तो इसका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट लेमन ही रहेगा और उसके बाद लिखेंगे इस सॉ व्हेन इट इज टेस्टेड, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस, कैसे पैसिव वॉइस में होगा ना, ये देखिए बी फॉर्म है और यू वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। इस पे देखिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है गाइड हिम टू द बैंक, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कमांड कर रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए बताया गया था सबसे पहले हम लेट को लेकर आते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा लेट और लेट के बाद बताया गया था आपको सब्जेक्ट का आना, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा द बैंक, अब यहां पर आपको यूज करना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो यहाँ पर बी फॉर्म लेट द रैंक बी वर्ब क्या है यहाँ पर गाइड तो बी के बाद आप वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी गाइड लेट द सॉरी इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है ही तो ऑब्जेक्ट ही है इसको सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगी ई हो जाएगा इसको करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर बैंक जो है वो ऑब्जेक्ट आपका नहीं है ऑब्जेक्ट क्या है ही है तो ही से क्या सब्स्टिट्यूट बनेगा ही बनेगा लेट ही बी गाइडेड उसके बाद लास्ट टू द बैंक सेम इसी पैटर्न से आप क्वेश्चन नंबर सिक्स को भी कर लेंगे इन सब में आपका ऑर्डर कमांड किया जाएगा सेम इसी पैटर्न से सब सबसे पहले लेट लगाएंगे लेट के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लास्ट में लिखेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें थोड़ा ये भी डिफरेंट है जिसको भी देख लेते हैं ऑलरेडी लिखा हुआ वेयर्स द ऑनेस्ट ऑलरेडी देखिए इसका कैसे चेंज होगा इसमें हम सबसे पहले ऑनेस्टी को स्टार्टिंग में लेकर आएंगे ये हो जाएगा ऑनेस्टी शुड ऑलवेज बी डन बी डन यूज होगा वही आपका बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा ऑनेस्टी शुड ऑलवेज बी डन इन योर डी ये हो जाएगा ये थोड़ा और डिफरेंट टाइप से बनेगा लेकिन फोर्थ फिफ्थ सिक्स में यही रूल अप्लाई कर आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज सी को भी कर लेंगे अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज सी फिल द ब्लैंक्स इन द करेक्ट सिंपल पास्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द वर्ब यूज एवरी वर्ब ओनली वंस अब इसमें आपको देखिए क्या करना है सिंपल पास्ट पैसिव फॉर्म यूज करना है सिंपल पास्ट पैसिव फॉर्म का जो रूल होता है उसमें आपको सबसे पहले पास लाना है या वर्ड लाना है तो हम इसको ये चूज कर सकते हैं और इसके बाद आपको आना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इस फॉर्म में आपको जो ब्लैंक सीखे थे उनको फिल करना है अब यहाँ पर जो वर्ब आपको फिल करनी है वो ऊपर बॉक्स में नहीं है उसमें से जो अप्रोप्रिएट है उसको आपको चूज करना है और चूज करने के बाद ब्लैंक सीखे उसमें फिल करना है और उससे पहले क्या करना है वर्ब और वर्ड सिंगुलर होगा तो हम वास लगा देंगे और प्लूरल के लिए हम लगाएंगे वर्ब जैसे इसमें एक देखते हैं कीपिंग द हाउस क्लीन टुडे इज अ लॉट इजियर देन इट यूज्ड टू बी बिफोर एन इलेक्ट्रिसिटी वास प्रोड्यूस कह रहा है कि आज हाउस को क्लीन करना काफी आसान है पहले के दिनों में 200 इयर्स अगो 200 साल पहले ए फायर एंड ए बिग पॉट ऑफ वाटर यहाँ पर फायर के बाद आपको फिर करना है इसी फॉर्म तो फायर के बाद इसमें आएगा ये कहना चाहता है कि आग जलाएंगे तो ये होगा कि फायर है सिंगुलर है सिंगुलर वाज फायर वाज लाइट वर्ब का यूज करेंगे लाइट लाइट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लाइटेड फायर वाज लाइटेड एन बिग पॉट ऑफ वाटर और उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस है वो आपको खुद फिल करना है तो ये आप करेंगे या कोई होमवर्क है इसके बाद की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी तो क्लास नंबर थ्री पर खत्म है ठीक है अस्सलाम वालेकुम।